दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम यह आपको बताएंगे कि आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन आने में इतना लेट क्यों लग रहा है। अब कई लोग यह सोचेंगे कि हमने तो कई वीडियो में देखा है लोग इसे उल्टा सीधा बता देते हैं, तो हम ऐसे बात नहीं करने वाले हैं। जो कि आज की वीडियो में बात करेंगे तो प्रूफ के साथ में बात करेंगे और लाइव प्रूफ से आप जान पाएंगे कि कैसे आखिर आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन आने में इतना लेट क्यों लग रहा है। हम आपको बता दें कि इसका जो है NPCI ने खुद यह कारण बताया कि कैसे यहां पर आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन आने में इतना लेट लग रहा है, उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में आप जान पाएंगे, लाइव प्रूफ सब कुछ दिखाएंगे भी कि कैसे आखिर आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं आ रहा। हम आपको बता दें कि आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन शुरू में जब आया था तब 8 से 10 बैंकों में यहां पर आया था, उसके बाद बीच में एक आध बैंक में और आए, उसके बाद NPCI बिल्कुल यहां पर जो है आधार बेस्ड UPI रजिस्ट्रेशन लाने में बिल्कुल यहां पर जो ठप हो गई। उसके बाद किसी भी बैंक में आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन नहीं आया। उसके बाद NPCI ने अपना डेडलाइन भी कोई नहीं बताया कि हाँ इस डेट को आ सकता है, मतलब कोई यहां पर उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं की। लेकिन कुछ दिन बाद यहां पर क्या हुआ कि बहुत ही मतलब यहां पर कुछ दिन पहले ही यहां पर NPCI ने अपना सटीक कारण बताया, उसी के बारे में हम आपको यहां पर बता देते हैं। हम आपको बता दें कि आधार बेस्ड UPI रजिस्ट्रेशन जो आपको आने वाला था भीम ऐप में आने वाला था, लेकिन NPCI ने क्या किया कि उसमें यह फीचर आपको नहीं लॉन्च करने वाली है, उसमें आप फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। NPCI ने बताया कि आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन जो आएगा वो भीम का जो 2.0 वर्जन है, भीम 2.0 वर्जन NPCI लॉन्च कर रही है, उसमें आपको आधार कार्ड UPI रजिस्ट्रेशन के साथ साथ और भी बहुत सी नई सुविधाएं उसमें इंक्लूड होंगी। तो इसीलिए जो आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन आने में इतना लेट लग रहा था क्योंकि जो NPCI है वह भीम का 2.0 वर्जन बना रही है, उसको बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है। उसमें आपको पहला जो फीचर है सबसे बेहतरीन आपको आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके साथ आपको कई और 4 से 5 फीचर और भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन ही है। तो यही जो है अभी तक आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन आने में इतना लेट लग रहा है। तो आई होप हमारे द्वारा बात आपको बताई गई आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आखिर आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन आने में इतना लेट लग रहा है। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई हम जरूर देंगे। और बैंक से जुड़ी ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि बैंक से जुड़ी ऐसी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है।